फैमिली और रिलेशनशिप्स की जो शेल लाइफ है कम हो गई है। जैसे ही औरतों को चॉइस मिलने लगा, दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर, यू नो, एंड इट इज अ पावर स्ट्रगल। वन वांट्स पावर, वीमेन वांट द पावर टू एटलीस्ट लीड देयर ओन लाइफ, एंड मेन डू नॉट वांट टू रिलिंक्विश दैट पावर। तेलुगु तमिल मूवीज हैव बीन डूइंग सो वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस। तेलुगु में स्टिल बहुत हीरोगिरी चलता है, बट overall stories are the hero and heroine. Yeah, they are the leads. You did support Kashmir Files. I definitely support Kashmir Files. Are you trying to tell me the genocide didn't happen? अरे 25 माले में जाओ, वो मेरे कश्मीरी नेबर है जो 90s में निक्का फेंक दिया था उनको कश्मीर से। Back then शाहरुख खान के साथ आपका कैसा equation था? How he was as an actor? People don't realize about शाहरुख is he's actually a very brilliant person. Like he's one of the most intelligent people I've encountered, and I've encountered a lot of intelligent people. आपको क्या लगता है जो इस समय current scenario है हमारे देश में, is it impacting in any manner on the box office? The main thing that has impacted box office are the damn ticket prices. Rhythm of Life में आप सबका स्वागत है। हम जीवन में अक्सर उनको अपना रहबर मानते हैं जिनकी मंजिलें आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी उस मंजिल पर हिम्मत से चलने की उनके अंदर शक्ति होती है। अगर आप इनसे मिले, इन इंसानों से बात करें इनके जीवन के बुरे वक्त के बारे में, तो एक बात कहते हैं और वो है चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कि वो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें ऐसा वक्त दिखाया जिसमें उन्हें शक्ति मिली, अपने आप को जानने की शक्ति मिली, जीवन का सच जानने की शक्ति मिली। आज ऐसे ही एक खूबसूरत फनकार हमारी खास मेहमान है और वो हरफन मौला कलाकार भी हैं, और उनके स्वागत में मुझे जावेद अख्तर साहब की एक नज्म याद आ गई। वो कुछ इस तरह है, जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पैमाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, मुझे पैमाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, मुझे तो दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे तो दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। और वो है हमारी आज की खास मेहमान सुचित्रा कृष्णमूर्ति, जो आज हमारी शो की स्पेशल गेस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। आई एम डिलाइटेड टू बी चैटिंग विद यू। और माय प्लेजर। इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन दी आपने। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो जैसा हमारे शो का नाम रिदम ऑफ लाइफ है और हम हर एक्टर को एक टाइटल देते हैं, हमने आपको टाइटल दिया है रहबर। तो अगर जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जिनकी जो आपको अपना आपको रहबर मानते हैं, तो कैसा लगता है आपको? रहबर बहुत सीरियस हैवी वर्ड है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मैं अपने आप को कोई लीडर या गाइड का टाइटल नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान को ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला रास्ता भी दिखाते हैं, और सबको अपना अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। डेफिनेटली यू लर्न फ्रॉम अदर्स, बट ऑलवेज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है, एंड वी मस्ट टैप दैट वी आर केपेबल ऑफ, क्योंकि जो आपकी फोटे है वो मेरी फोटे नहीं हो सकती है, जो मेरी स्ट्रेंथ है आपकी नहीं हो सकती है, और ऊपर वाले ने सबको स्ट्रेंथ दिया है अपने अपने हिसाब से, सबको दिया है। बिल्कुल। सो आई थिंक पीपल नीड टू टैप इनटू देयर ओन इनर स्ट्रेंथ रादर देन लुक आउटसाइड। बिल्कुल। या और जैसा आपका नाम है सुचित्रा, वैसे ही आपका एक काम की शैली रही है, आप ऑलराउंडर हैं। हमने आपको हरफन मौला भी बोला है, मॉडलिंग से आपने स्टार्ट किया, देन फिल्म, फिर सिंगिंग भी, और आज तक पेंटर हैं, लिखती हैं, तो आप अपनी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड कैसे बयां करेंगी? देखिए, जो बचपन में मुझे जानते हैं, दे ओनली नो मी, आई वाज अ गर्ल हु वाज ऑलवेज सिंगिंग ऑन स्टेज। मैं स्टेज पे बहुत एक्टिव थी, तो हर कंपटीशन में, हर प्रोग्राम में मैं गाना गाती थी, और ऑफकोर्स फिर प्लेज में भी बहुत एक्ट करती थी, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, पोइट्री लिखती थी, तो मैं हमेशा बहुत ही एक्टिव रही हूँ, क्रिएटिवली एक्टिव, परफॉर्मेंस में एक्टिव। एंड मैंने जैसे कोई लोगों का मेरे फर्स्ट कोस्टार भी, अगर आप शाहरुख के इंटरव्यू सुनो, तो ही सेड आई केम टू द सिटी एंड आई न्यू वन डे आई विल रूल दिस सिटी, आई विल बी द किंग ऑफ द लैंड। तो मैंने कभी
जो भी मैं करती हूँ वो करियर भी नहीं सोचा. यू नो देयर थिंग्स दैट वर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माय पर्सनालिटी, वेदर आई वाज एक्टिंग, वेदर आई वाज सिंगिंग. तो इन दैट सेंस मैं कभी करियरिस्ट नहीं रही. एंड मैंने कभी ध्यान, मुझे कभी नहीं लगा मैंने ये करूँगी तो इतने पैसे कमाऊंगी, इतना फेम मिलेगा. मैं सिर्फ वो करती गई जो मुझे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, जो मुझे अच्छा लगा. और मैंने ये शान शोहरत पैसों के बारे में कभी सोचा नहीं. बहुत सारे लोग इसलिए भी आपको आइडलाइज करते हैं बिकॉज द वे योर लाइफ हैज शेप्ड अप. यू नो इट्स नॉट बीन एन इजी राइड. एक यू हैड अ ट्रबल्ड मैरिज एंड बहन को खोया आपने. यू हैव अ योर सिंगल पेरेंट एंड देन यू नो समटाइम्स द लाइफ looks at you in a very different manner. और वो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हमारे अंदर की एक शक्ति होती है जो हमें ऊपर लेकर आती है. तो उस समय से उभरने की मोटिवेशन आपको कैसे मिली? Why am I asking you this is because the people who idolize you and the youngsters who are talk, you know, will be watching this episode, they will get a takeaway from this that life can be mean sometime, but we have to find a way out. See, life can be very mean and life will be mean. I don't think anybody escapes their trials and tribulations. सबके साथ बुरे दिन आते हैं, सबके साथ challenges, सबको challenges face करना पड़ता है. And कभी कभी इतने challenges आते हैं, इतना extent होता है कि आपको लगता है बस मैं और सह नहीं सकती हूँ. पर सहना पड़ता है. And mind you, things do change. और अगर आप अपने आप पे instead of focusing on the problem, जैसे मैंने कोशिश की कि मैं प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करूंगी, एक तो सॉल्यूशन पे फोकस करूंगी. कभी कभी सॉल्यूशन तो नजर ही नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, अंधेरा ही अंधेरा. बिल्कुल. तो फिर आप बोलो कि मैं वो करूंगी इस वक्त में जो मैं कर सकती हूँ. तो मेरे लिए क्या है, मैं रियाज करूंगी, मैं जिम जाऊंगी, मैं यू नो पेंटिंग करूंगी, मैं किताबें लिखूंगी, मैं जो भी है. एंड अल्टीमेटली ये करते करते ये भी करियर बन गए, किताबें भी छप गई, यू नो पेंटिंग्स के एग्जीबिशंस हो गए. बट अगर आई थिंक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज आइडल बैठ के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना. मम्मी जब भी मैं घर से निकलती थी, डैडी और मम्मी दोनों कहते थे बुद्धि का उंडूरा करना, दैट मीन्स कीप योर बुद्धि. जो भी करो अपना बुद्धि रखो, संयम और काबू में रखो, संयम में रखो. सो अगर आपका बिटवीन योर इयर्स सही है ना, तो द रेस्ट फॉल्स इनटू प्लेस. और सुचित्रा, खोने और पाने के बीच में आपने एक बेटी पाई जो आपकी हम सफर भी रही है आज तक. और तो कैसा रहा माँ और बेटी का ये रिश्ता, और व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर? देखिए ना, अभी तो वो बड़ी हो गई है, तो आई थिंक माय मॉम रोल इज लेस, बट चैलेंजिंग भी रहा है, ब्यूटीफुल भी रहा. मैं हमेशा मतलब मैं जब से मैं खुद 10 साल की थी, मैं कहती थी कि मेरी एक बेटी होगी, मैं उसको कावेरी बुलाऊंगी. एंड तो शी वाज लाइक फॉर मी, मुझे हमेशा मालूम था कि मेरी एक बेटी आएगी, कावेरी आएगी. इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी आएगी, इज गॉड्स ब्लेसिंग, यू नो. सो नो, आई एंजॉय मदरहुड. इनफैक्ट आई ऑलवेज से दैट हैड माई मैरिज स्टेड हैप्पी, एंड यू नो मैं 2-3 बच्चे और कर लेती, मैं शायद और कभी गाना नहीं गाती, कुछ एक्टिंग रोल्स नहीं करती, पेंट क्या, हु नोज. बट आई थिंक चिल्ड्रन आर अ ब्लेसिंग, एंड आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट चिल्ड्रन. और आजकल की जेंजी, जैसे जो जेंजी वर्ड है, जो इतना पॉपुलर वर्ड है, आपको नहीं लगता है कि अब फैमिली और रिलेशनशिप्स की जो शेल लाइफ है कम हो गई है वैल्यूज की? इफ आई टॉक अबाउट अर्लियर, marriages survived because the woman was the mute partner. mostly marriages survived because auraton ko koi choice diya nahi jata tha, because the system was such, society was such. jaise hi auraton ko choice milne laga, they started demanding more, you know. And it is a power struggle. One wants power, women want the power to at least lead their own life, and men do not want to relinquish that power to control their life. So this battle is a continuous battle. It's continuous, and also because suddenly what shift hua, you know, in the last 20 years, say 15-20 years, ye sab equation what shift hua with technology. Suddenly everybody, you know, earlier physical work hota tha, distances hote the. Correct. Abhi distances nahi hai, physical work nahi hai, sab computer ke samne, sab technology driven hai.
So life on the physical, that physical level is becoming more and more equal. But क्या दिमाग equal नहीं चल रहा है? You know, so that is a problem. What I also meant is not particularly about marriage, but about you know being with parents, being with your elders. वो चीजें अब कम हो गई है. I don't think so. I don't think. I think वो Indian mentality, Indian संस्कार में इतनी ingrained है. मुझे नहीं लगता इतनी कम हो गई है. एंड आप एक ट्रेंड सिंगर भी हैं सुचित्रा, एंड बहुत पर्सनालिटीज जो म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं, आपके दोस्त भी हैं. मैं बात करूं इंडियन सिनेमा के करंट म्यूजिकल सिनेरियो की, व्हाट यू हैव टू से? आई थिंक इट्स वेरी गुड, स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है. एंड ये जो शोज है, रियलिटी शोज, उन्होंने स्टैंडर्ड बहुत हाई किया है. इनफैक्ट लोग कहते हैं म्यूजिक का स्टैंडर्ड गिर गया. आई डोंट अग्री एट ऑल. आई फील म्यूजिक का स्टैंडर्ड बहुत बहुत बढ़ गया है. एंड बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है. वो डोमिनेंस नहीं है किसी एक आवाज़ की, तो वैरायटी बहुत है, एक्सेलेंस बहुत है. बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम. इंडिपेंडेंट म्यूजिक और लोग सुन रहे हैं, यू नो. एंड आई थिंक देयर विल वेरी सून बी अ टाइम जो ये लिप सिंक का कल्चर पूरा जाएगा फिल्मों में. एंड आई होप इट गोस. मुझे तो बहुत सिली लगता है. ओके, सो व्हाट विल टेक ओवर? Independent music, and you know, you can have songs without the hero and heroine just opening their mouth to it. It's मतलब आप सोचो, जब ये lip sync का culture शुरू हुआ फिल्मों में, वो actor और live recording होता था sound का, और वो actor और actress खुद गाते थे. फिर recordings आ गए, studio में record करने लगे. फिर उन्होंने लोगों को वो गाने अच्छे लगने लगे, तो देन द एक्टर स्टार्टेड मिमिकिंग. फिर उन्होंने डांस ऐड किया. ओके, यू नो, तो अभी डांस करो, वो मुंह हिलाने का कि क्या बात है. मतलब मुझे तो बहुत सिली लगता है. आई एम अ सिंगर, आई एम आल्सो एन एक्टर, यू नो. और मुझे वो लिप सिंक कितना सिली लगता है. बट यू हैव आल्सो फॉलोड द करंट कल्चर व्हिच इज यू नो द कल्चर ऑफ ओटीटी सिनेमा. आपने भी, यू हैव आल्सो कम ऑन द ओटीटी. व्हाट यू हैव टू यू नो टॉक अबाउट द the chances that OTT is giving now to all the actors, which has television and cinema. You say, I always say that word. Cinema hai magar television par hai. So OTT is that new era. What do you have to talk about that? I think it's fantastic. There are so many stories being told, new stories being told. There are so many people, you know, getting more opportunities. There's so much, it's giving employment to so many people. The exposure. जैसे यू नो वी आर वॉचिंग कॉन्टेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इवन लाइक हम ईरानियन फिल्म देखते हैं, हम यू नो कोलंबिया से कुछ कॉन्टेंट निकले वो देखते हैं, यू नो कुआलालंपुर से कोरियन फिल्म देखते हैं. वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर. सो आई थिंक दैट एंड ऑल्सो विद इन इंडिया हम वी आर नॉट जस्ट टेलिंग सिटी सेंट्रिक फिल्म एनी मोर, वी आर टेलिंग हार्टलैंड फिल्म, यू नो. एंड आप आज मैं देख रही थी PVR की लिस्टिंग. मैंने सोचा वीकेंड है, मैं फिल्म जाके देखूंगी वीकेंड में. सो देर इज वन इंग्लिश फिल्म, देर इज अ गुजराती फिल्म, देर इज अ तमिल फिल्म, देर इज अ तेलुगु फिल्म, देर इज वन हिंदी फिल्म. सो इट इज यू नो दिस होल द एंटरटेनमेंट इज ग्रोइंग सो मच. यू आर फ्रॉम अ तेलुगु फैमिली? यस. एंड there have been a massive success. Telugu Tamil movies have been doing so well, yeah, on the box office. Aapko kya lagta hai, kya formula hai unke paas jo itna success wo dekh rahe hain is samay, itne saalon se dekh rahe hain? Dekhiye, abhi main RRR ka success explain nahi kar sakti. Matlab I don't think anybody, wo Rajamouli sahab khud nahi explain kar sakte. You know, some things just are destined, they have their own destiny. So but I definitely think इन द साउथ एंड एवरीवेयर रीजनली वो कॉन्टेंट पे बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एंड तेलुगु में स्टिल बहुत हीरोगिरी चलता है, बट ओवरऑल स्टोरीज आर द हीरो प्राइम फोकस. या दे आर द लीड्स, द स्टोरी इज द लीड, यू नो, दैट इज द मेन थिंग आई फील. And that is why, you know, maybe even if it's a song, and that too, a song like Natu Natu has been so well appreciated globally. Yeah. And you know, they won the Golden Globes. Yeah. So, आपको लगता है अब रास्ता खुल गया, now they are more aware of our cinema worldwide? I think that's inevitable, you know. There are a lot of people who've paved the way. Priyanka paved the way, before that Shekhar Kapoor paved the way. अभी RRR गई है, A.R. Rahman को मिले हैं already an Oscar. So definitely there's more awareness of Indian culture, Indian food,
यू नो ये फैड्स है, पहले इंडियन फूड फैड था, फिर धीरे धीरे इंडियन यू नो बिंदी एंड नाउ इंडियन म्यूजिक. सो ये बट डेफिनेटली इट्स नाइस दैट वी आर फाइनली इमर्जिंग. द ऑल टाइम ग्रेट एक्टर अल पाचिनो, ही ऑलवेज हैड मेंशनड दिस, यू नो हिज लव फॉर थिएटर. एंड वो कहते थे इन हिज इंटरव्यू, व्हेन ही डजंट यूज्ड टू डू अ मूवी, वो जाते थे थिएटर करते थे. एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थिएटर नाउ. Your writing plays and your play is very well, you know, appreciated everywhere. So what you have to say about the theater life and the growth the theater gives? See, not just Al Pacino, even there are very, very popular, you know, Kate Blanchett, you know, Gwyneth Paltrow. Bahut bahut Western actors hai jo theater bhi karte hai. India mein bhi Nasiruddin Shah, Harish Rawal, you know, karte hai. I think theatre, first of all, gives you that confidence, that discipline. Theatre gives you that discipline and that focus. And I tell my daughter also this. I tell her, अगर आप theatre कर सकते हैं तो आप film ज़रूर कर सकते हैं. अगर आप film करते हैं तो necessary नहीं है कि आप theatre कर सकते हैं, because they're completely different mediums but they feed into each other. You know, and I think the discipline of theatre is very beneficial to an actor. बहुत बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कई उस दिनों में सोचो 90s, early 90s में सब आप कहीं जा रहे हो, आपको 30-40 हज़ार एक स्माइल के लिए मिल रहा है. एक स्माइल, एक दिन का एक स्माइल. हाँ, फिर थिएटर में आप 3 महीना प्रैक्टिस करो, नो प्रैक्टिस के लिए नो पैसा, नथिंग. फिर आप शो करो, आपको 100 रुपये मिलते हैं. हाँ, तो ऑब्वियसली इफ समबडी कैन नॉट अफोर्ड इट, हाउ विल दे डू इट? They cannot. So theater has to be viable. Kabhi Haan Kabhi Na ki baat karte hain, you know, one of the our favorite film, jo commercially, critically, har tarike se logon ko pasand aayi thi. Itne acche actors the is movie mein. I think it's wo apne aap mein ek theater tha. Yeah. So wo kaise? But a lot of theater ka actors. You know, we that's were all yeah, yeah, yeah. Anjan Shiva, yeah, yeah, yeah. Even Shah Rukh earlier used to do theater. Yeah. So that's what. So kaisa experience tha aapka? How? What are the memories of that film? मैं तो बहुत मतलब आई वॉज क्वाइट स्पॉइल्ड. कुंदन वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर, तो मुझे लगता था कि वो इतने क्यों स्ट्रिक्ट है, मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, सब कंजूस है सेट पे, था कोको कोला नहीं पिलाते हैं. ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज दैट ही वॉज डूइंग ऑल दैट टू ब्रिंग आउट द माई वल्नरेबिलिटी एज आना, यू नो, बिकॉज बाय दैट टाइम व्हेन आई केम इन टू कभी हाँ कभी ना, मैंने बहुत कैंपेन्स किए थे, मुझे बहुत ऑफर्स आ रहे थे, स्पेशली साउथ से हिंदी में ये वो. सो ही नीडेड टू समवेयर ब्रिंग मी बैक टू दैट वेरी नाइव इनोसेंस, यू नो, एंड दैट ही वुड डू बाय समटाइम्स ब्रेकिंग माय कॉन्फिडेंस, यू नो. नाउ आई रियलाइज एंड बिकॉज आफ्टर फिल्म के बाद हम दोस्त बने, यू नो, कुंदन एंड मी. इनफैक्ट इवन जस्ट बिफोर ही पास्ड अवे, उन्होंने जाती थी उनके ऑफिस में बैठती थी, बातें करती थी. ब्रिलियंट डायरेक्टर, ब्रिलियंट. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस मेथड. आई टेल हिम, कुंदन, यू मेड मी क्राई सो मच, आई टू हेट यू ड्यूरिंग द शूटिंग. ही सेड, या बट सुचित्रा, समटाइम्स आई हैड टू डू इट बिकॉज यू वुड नॉट लिसन, यू नो, यू कुड नॉट, यू डिडंट हैव, यू वर टू यंग, यू वुड नॉट, टू इनएक्सपीरियंस, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट फ्रॉम यू. सो आई हैड टू डू समथिंग एल्स टू मेक यू डू द ऑपोजिट, यू नो. अभी सिचुएशनल सॉन्ग्स मूवी में ऐसे थे, ऐसे आप बात कर रहे थे, जैसे देखिए आपका कभी हाँ कभी ना, आपको सॉन्ग्स आर्टिफिशियल नहीं लगेंगे, एकदम सिचुएशनल. अगर आप बिल्कुल डायरेक्टर मास्टर है, जैसे मैं मणिरत्नम की फिल्म देखती हूँ, मुझे ब्रिलियंट मास्टरी लगता है, यू नो, द सॉन्ग सीक्वेंस इज परफेक्ट, संजय लीला बंसाली के परफेक्ट लगते हैं. बट कोई फिल्म में ऐसा स्मूथली नहीं बैठता, तो जहाँ स्मूथली नहीं बैठता, आई फील वो लिप सिंक का थोड़ा मुझे सही. और आपकी मूवी में ऐसे कई, आपका एक आप पे ही फरमाया गाना है, ऐ काश के हम होश में आने ना पाए. सो वन पार्ट ऑफ इट इज, यू नो, ऑल इमेजिनेशन, एंड इट्स आल्सो गोइंग, द मूवी इज आल्सो गोइंग फॉरवर्ड. वो तो है अलबेला आल्सो इज, यू नो, वेयर द मेन प्रोटैगनिस्ट इज साइलेंट, एंड सो इट्स, दैट इज व्हाई द फिल्म वाज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम. ऑल ऑफ हिज फिल्म, आई थिंक कुंदन चाहे इज अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर. बैक देन शाहरुख खान के साथ आपका कैसा इक्वेशन था, हाउ ही वॉज एज एन एक्टर, and with the advent of his stardom, what do you make of his character as an actor now? I think Shah Rukh was always very focused. He had like a tunnel vision, like this is what he wanted, he went after it with all the passion, drive, intelligence.
I think one thing people don't realize about Shahrukh is he's actually a very brilliant person. Like, he's one of the most intelligent people I've encountered, and I've encountered a lot of intelligent people. So as an acting karke, well, he's got whatever he's want. He's also a very brilliant person. He was very focused. So, and I think he wanted it, he went after it, and he got it. So hats off to him. Of course, you know, for everything in life, your stars have to be aligned and everything. And he knew his stars are aligned. You know, so when your stars are aligned, you know it's aligned. You know what I'm saying? That is also a very good, you know, information. You know, a lot of people doesn't believe in that. Yeah. But if you're aware of it, and that like, is the right you know, place, right? Jo struggle karte, especially, see, unlike in other businesses, because you have given the rehbar ka, title pehle de diya, though I rejected it, but I would like to expand on that point. In a lot of other businesses or professions, aap padhai karo, aap thodi mehnat karo, success to aayega hi aayega. Aayega hi aayega, you know. This, aap industry start karo, 3 saal lage, 5 saal lage, phir aap wo close karke kuch aur, success aayega hi aayega. Aap mehnat karo, success aayega hi aayega. Show business is very fate dependent. It doesn't mean you're good if you're successful. It doesn't mean you're bad if you're unsuccessful. It is very fate dependent. Mm. That's my belief. That's very correct. Hard work to sabhi karte hain. So people who say, yeah, it's my hard work that's got it, na. I feel like take your pride and, you know, bury it, please, quickly. So it is very fate dependent. So unless your stars are aligned, and have faith that your stars will align, you know, and give it a time period. Be realistic in life. So aap itne talented logon ke sath काम कर चुकी हैं. एक आपके और मित्र हैं खास, राम गोपाल वर्मा, दी अनदर जीनियस ऑफ द इंडस्ट्री, एंड जो आज भी पॉपुलर हैं उनके काम के लिए और उनकी ट्वीट्स के लिए भी. सो व्हाट डू हैव टू टॉक अबाउट हिज बॉडी ऑफ वर्क, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ वेरी आर्डेंट फैन ऑफ राम गोपाल वर्मा. एक्चुअली इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैं उनके टच में नहीं हूँ, एंड पर एक जमाने में यस आई वॉज इन टच विद हिम. मैं उनके फिल्मों की बहुत बड़ी फैन थी. ट्रू, बहुत बड़ी फैन थी. आई थिंक ही वाज एन एब्सोल्यूट जीनियस. जीनियस, करेक्ट. लाइक फिल्म्स लाइक कंपनी, या राइट अप टू इवन निशब्द, इफ यू सी उनके, यू नो, एंड एक तेलुगु रंगीला, या लॉट ऑफ फिल्म्स, जंगल. जंगल तो मैंने नहीं देखी. उर्मिला मातोंडकरस कौन, ब्रिलियंट, लॉट ऑफ मूवीज, ही हैज अ बकेट. और जिस तरह उन्होंने, यू नो, दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफाइंग, दूसरे डायरेक्टर्स को उनके कंपनी के अंदर, यू नो, चांस देके, इतने लिटरली ही मेड अ फैक्ट्री ऑफ सिनेमा. ही कन्वर्टेड सिनेमा इनटू समथिंग सो इजीली डूएबल, लाइक, यू नो, चर्नेबल, जैसे कि मशीन में डालो और पिक्चर निकले. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज डूइंग फैंटास्टिक वर्क. मैंने ऑफ लेट उनकी फिल्में देखी नहीं है. मैं उनको ट्विटर पे फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो जो बोलते हैं मुझे मेरे समझ में नहीं आता तो मैंने छोड़ दिया. एंड आई डोंट थिंक सो इज डूइंग एनी वर्क दीस डेज, एनी ऑफ हिज प्रोजेक्ट. आई डोंट नो, बट ही डेफिनेटली, व्हाटएवर ही इज डन इज ब्रिलियंट. यस, व्हाटएवर ही इज डन, आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज वर्क, हिज बॉडी ऑफ अर्ली, एस्पेशली हिज अर्लियर बॉडी ऑफ वर्क. देयर वाज दिस फिल्म ऑफ हिज कॉल्ड एज नॉट अ लव स्टोरी व्हिच हैड माही गिल, एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्टर. His Deepak Dobrial was a part of it. His camera angle, it's a brilliant movie. It's on a, even Run, aap dekho. Yeah, even Run also. Yeah, yeah, yeah. So, it was so much ahead of its time. And brilliant, he proved that, wohi to hai media. Bilkul hum jo itna seriously lete hai, you know, in ye journalist ko itna seriously lete hai, hamari puri politics aur social conditioning us pe chalti hai, aadhe to bikao hai, you know. Yeah. So I think he exposed a lot of things prematurely. Yeah. When it came out, 10 saal ho gaye, I think. When it came out, logon ko yakeen bhi nahi hua tha ki aisa ho sakta hai. So abhi sab prove ho gaya hai. And also the brilliant lot of actors that are here. Absolutely. Manoj Bajpayee. Yeah, yeah. You know, Biku Matre was the man. Yeah. The, you know, Manoj Bajpayee was actually introduced in Bandit Queen. Yeah. Yeah, earlier. No, but he got fame because of Biku Matre. Oh, absolutely. Rande Puda, yeah. And so many. And in fact, Rajpal Yadav. Rajpal Yadav. Yeah, yeah, yeah. Bachchan Saab ki bhi itni filmon ki legacy hai, magar usme ek Sarkar zarur count hoti hai. Yeah, Sarkar. So he made some absolutely brilliant films. You've also been very active on the social media, you know, and you've been very open to share your religious views, your political views.
आपको क्या लगता है जो इस समय करंट सिनेरियो है हमारे देश में, इज इट इम्पैक्टिंग इन एनी मैनर ऑन द बॉक्स ऑफिस ऑफ आवर फिल्म फ्रेटर्निटी? अभी ये बेशरम रंग का ही देखो कंट्रोवर्सी, सो अननेसेसरी। हाँ, सैफरन बिकिनी, ग्रीन शर्ट, मतलब आर्ट का कुछ, आई मीन इट डजंट मेक सेंस। एंड यू नो दिस द होल सोसाइटी हैज बिकम वेरी बाइफर्केटेड। I mean, I don't remember being so aware of somebody's religion or the religious context. You know, अभी तो कभी कभी लोग आने आके कहने लगे कि ग्रीन प्लांट्स हटा दो भाई, यू नो हिंदू का कलर नहीं है। इट्स गॉन सो मैड, यू नो इट्स गॉन सो मैड, सम लेवल आवर कंट्री इज गॉन वेरी मैड, एंड ऑल दिस यू नो दैट दिस हेट एंड दिस ट्रोलिंग एंड ऑल दैट, it's definitely impacted box office. But I think the main thing that has impacted box office are the damn ticket prices. Aap ticket prices niche laao, people will flock to the theaters once again. That is my view. Sunil Shetty had put this in the recent meeting with CM Aditya Nandi. Dekhiye family to lower down the popcorn prices. Are forget popcorn, ticket hi chalo, people who can't afford it popcorn nahi lenge. Okay. Now, do you know that actually by law, हम लोग डब्बा लेके जा सकते हैं थिएटर के अंदर by law? Yeah, I'm aware of it. वो लोग अलाउ नहीं करेंगे? नहीं अलाउ करेंगे। हाँ, then they'll sell you a ticket for $1,500, make you buy popcorn for $400. You sell that ticket, yeah, for $300-$400. Keep it reasonable. People will flock. Otherwise, how does a middle class family of four? मतलब आधा सैलरी एक पिक्चर में निकल गई। Yeah, month salary is gone. You know what I'm saying? Yeah, correct. You're absolutely correct. So I think it is not that the films are failing as much as the pricing is failing. And what is your view on the upcoming, you know, elections which are there on the corner next year? Pata nahi yaar. Are you following it? No. I've stopped following politics. I've stopped tweeting on politics. So kabhi kabhi nikal aata hai. I promised my daughter. She sometimes comes to my room, you know, I'm not sleeping, and she'll see me on my computer. Sometimes she'll say, "Mom, don't tweet, okay?" Or if she knows there's a topic which is bothering me, she'll be like, "Mom, don't tweet, okay?" But kabhi-kabhi phir bhi main tweet laga deti, but I'm not following the politics. But you did, is it fair to say that you did support Kashmir files, or you only heavily criticize the critic on the choice of his words? Both, okay. So, I definitely support Kashmir files. Are you trying to tell me the genocide didn't happen? अरे 25 माले में जाओ, वो मेरे कश्मीरी नेबर है जो 90s में निक्का फेंक दिया था उनको कश्मीर से। So you cannot deny these things happened. I personally couldn't see the film because it was so violent. I went to the theater with my friend. मेरे को 15-20 मिनट में I started feeling like I got so much anxiety and nausea होने लगा because the violence is very harshly and brutally depicted. So I could not see the film, but you cannot deny that the genocide took place. और वो कौन है यार बंदा? Let him have the guts to go and say that Schindler's List is a propaganda film. You know, they're all cowards in their own countries. They go somewhere else and start, you know, parading like peacocks. He had no authority or knowledge to say that. He was just ignorant. I think his words were ignorant or he was bribed, one of the two. So Chitra, you've fought battles with life, you know, I've seen all the ups and bad. So what is, if I ask you, what is left to conquer in life now? We've come out of happily and, you know, very nicely out of everything. What I want left? To produce, direct and write a film. Wow. And what is, any thought on the subject? I'm trying to write it already. Okay. That's why I told you now I'm writing, so my head is in a different space. Okay. So, of course, you know, right now I'm also caring for my mother and I have all that stuff going on. But I would like to do that. I definitely like to become an active producer, creator, writer. And before we let you go... Director is a lot of work. It is not, yeah. It is not an easy ball game. Maybe I'll hire a director. Yeah. So we wish you all the best on that front. And you know, we hope that we soon make a movie. But though right now I'm working on some songs as well. So I'll have a spate of songs coming out this year. So we'll come back again and we'll, yes, you know, talk on, yes, the songs as well. But before we let you go, this is, you know, we ask all our actors कि आपने जो अब तक का सफर तय किया जीवन में, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो और सोचते हो कि मेरी रिदम ऑफ लाइफ ये थी, तो
तो वो क्या आपकी रिदम ऑफ लाइफ रही है लाइफ? मुड़ के ना देख मुड़ के आगे चलते चलना है। हाँ। बहुत सही। तो हमारे को बहुत मजा आया वैसे आपके साथ। टाइम एकदम हमारे सवाल जवाब खत्म हो गए, बट अभी लगता है कि और चल सकता है। अभी बहुत सारी बातें चल सकती हैं। I have to actually control myself कि इतना बात मत। I hope you had a decent time with with this setup of ours. Yes. And what do you have to say to the viewers that जो आपको अपना रहबर मानते जाने से पहले, what is that one thing you all say that remains with them forever? To your I'll sing it out. Yeah, all yours. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. Thank you very much for this amazing time. So basically, believe in yourself, believe in your truth, and strive on. तो ये थे हमारे साथ सुचित्रा, जिन्होंने बहुत साफ सुथरा कह दिया है कि अपनी खुद की सोच बनाओ, समझो, आगे चलो, तभी जीवन में आगे बढ़ सकोगे। तो ये हम सबको आज सीख मिली, आप तक भी पहुंची है। आप भी अपने जीवन में सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए, और हम भी आगे बढ़ेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे एक नए फनकार। आई कैन आई कोट वन या प्लीज वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, इट सेज द मोस्ट करेजियस थिंग यू कैन एवर डू इन योर लाइफ इज टू थिंक फॉर योरसेल्फ अलाउड। It's a Coco Chanel. Okay, yeah. But it's true, you know. So just have the courage to think true, think correct, and express yourself. Be yourself. Do you? Be you. Be you. Yeah. तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि अपने ज़हन को, अपनी आँखों को, कानों को खुला रखना है ताकि हम सोच सकें, सही सोचें, सही समय पे आगे बढ़ें, और अपनी कुछ मूल वैल्यूज़ को नहीं भूलें, जो कि हमारे साथ हमेशा तक रहती हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे एक नया फनकार, सुनाएंगे उनकी कहानी, उनकी जबानी। अपना ध्यान रखिए और हमारे इस चैनल YMF को जरूर सब्सक्राइब करिए। This is the rhythm of the life. Thank you very much. तो कितनी कारगर साबित हुई है ये ईमानदारी आपके इस प्रोफेशन में? यहाँ पर आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, अपने आप को बेचने आना चाहिए। आपने जरा सा काम किया, एकदम चाहो, कोशिश करो, पैसे दो, अखबारों में छपवा दो अपने आप को, जिससे कि लोग आपको जाने लगे। ये भी सच है।